अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। सबसे पहले चुपचाप मेरे साथ ये वीडियो देखनी है, बातें नहीं ज्यादा करनी, सिर्फ सुनना है। और कुछ फिलिपिनियां भी दिखाऊंगा आपको कि वो टिकटॉक पे क्या क्या कर रही हैं। सबसे पहले अपने पाकिस्तानियों को देखते हैं। जी गाइस, डबल ओपन हो गया, कोई तो तरस खा लो। अदान वेलकम, अदान असद भाई वेलकम, असद भाई थैंक यू उस्मान, थैंक यू लाडला, कुछ कपड़े दे दो, थैंक यू लाडला, थैंक यू अदान, बाय वेलकम डियर। डबल टैप रोकती यार, तो मर गया अगले पिछले टूंडियों। तेरी मां नु, तेरी मां नु लायर मलंग, तेरी मां दे उत्ते चले पूरा मल्ला। किसे टैक्सी दा बच्चा इथे अंब लैन आया, तेरी टेबे ना मार के फेंकदा खड़े हो के सारे जाने। जी सरकार, ये कोई सर्कस नहीं लगी हुई, ना कोई एक मदारी लगी हुई है। ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबल है, पाकिस्तान की मौजूदा जो हमारी यूथ है, माशाल्लाह क्या हुसन है और क्या ज़बरदस्त अंदाज़ है। क्या इस जवानी में इस भाई का माशाल्लाह कारोबार देखें कि कपड़ों के ऊपर काला रंग, और जो हमारी ये बहन है उसने मुँह पर भी काला रंग, कपड़ों के ऊपर भी काला रंग, और ये गालबन किसी गेम के ऊपर जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, पनिशमेंट उनको मिली है और वो खुद को पनिश करके ये पैसे कमाने के चक्कर में ही कर रही हैं। कौन ये और ये ऐसे क्यों करती हैं, कौन है वो जो इनको लाइक करते हैं, कौन है जो इनको मजबूर करते हैं, उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं जनाब। ये हैं जनाब, ओके, इनका जो अकाउंट है ये है रूबी स्टार ऑफिशियल के नाम से, और ये माशाल्लाह देख रहे हैं आप, 160,600 इनके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है। लिस्ट भी दिखाता हूँ कि इसमें माशाल्लाह कितने महापुरुष हैं, और ये तकरीबन ये मैंने खोली इसीलिए ताकि मैं देखूं कि ये कौन लोग हैं, पाकिस्तानी हैं ये कौन लोग हैं। तो मोस्ट ऑफ देम 90% पाकिस्तान के लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, और इनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ दिखाना आपको ये था कि हम ऐसे कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरी दुनिया जो टिकटॉक पे क्या कर रही है। तो सबसे पहले जनाब, पहली एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक लड़की है जो ब्यूटी पार्लर की कुछ आइटम्स हैं वो सेल करती है, और वो देखेंगे वो बैठकर अपने काम, अपने प्रोडक्ट्स को वो दुनिया को दिखा रही है। इसके साथ साथ मैं तेज़ चलाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लगे, ये भी कोई इक्विपमेंट सेल कर रही है और ये भी टिकटॉक पे वो लाइव दिखा रही है अपनी चीज़ें जो वो सेल करती है। उसके बाद आ जाए जनाब, ये कोई कपड़ों की दुकान है, और वहाँ पर भी लड़की देखें, बड़ा प्यारा सा ज़बरदस्त सा उसने स्केच बनाया हुआ है, और वहाँ पर जनाब उसने कपड़े लटकाए हुए हैं और उस पर वो कपड़े सेल कर रही है टिकटॉक के ऊपर। फिर उसके बाद आ जाए यहाँ पर भी देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी पार्लर की, मेरे ख्याल से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो जनाब लाइव बैठ के डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है और वो काम कर रही है। उसके बाद ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई मोबाइल की, गैजेट्स की दुकान है, और वो भी यहाँ पर बैठ के चीज़ें दिखा रही है, जो सैम्पल्स दिखा रही है, जो चीज़ें दिखा रही है, ताकि वो कस्टमर जो है वो घर बैठे पता कर सकें कि कौन सी चीज़ कितने में है। आगे आ जाए जनाब, ये भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लग रही है, और यहाँ पर भी एक लड़की जो है वो खड़ी होकर आइटम्स जो है वो दिखा रही है लाइव। ये लाइव फीचर की सारी वीडियोस मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम की तमाम जो तस्वीरें हैं मैंने एक लाइव से ली हैं, जो लाइव वीडियो वो टिकटॉक पर बैठ कर वो लगाती हैं। अच्छा जी, आगे चलें, ये एक लड़का है, इसको भी उन्होंने काम दिया हुआ कि तुमने शोरूम पर बैठ के सिर्फ गेम खेलनी है, और गेम्स खेल के हमारे कस्टमर्स को बताना है कि ये गेमिंग का जो हमारे पास प्लेस्टेशन 4 है, जैसे ये दिखा रहा हूँ आपको, प्लेस्टेशन 4 है, 5 है, 6 है, जो भी उनके पास वो क्वालिटी है वो दिखाता रहता है सारा दिन। उसका काम ये, वो ज़ाहिर है कि उसको उसके पैसे मिलते हैं। तो आगे आ जाए यार, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है अपेरेंटली, देखें हिजाब किया हुआ है, और ये जनाब लाइव देखें टिकटॉक के ऊपर वो आइटम्स दिखा रही हैं कि शायद वो ग्लासेस का काम करती हैं, जो भी काम करती हैं वो उसको वो दिखा रही हैं, सेल्स अ पर्सन है ये भी। उसके बाद आ जाए जनाब, ये लास्ट वन, ये भी कपड़ों की दुकान है, और वो सामने वो स्कार्फ लेकर वो दिखा रही है, ये भी एक जनाब पर्स दिखा रही है इस वक्त, जो फिलिपीन की या पता नहीं चाइनी की लड़की है, कोई चाइनीज़ है। तो इस तरह से जनाब ये लोग काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे हैं जनाब। डबल टैप, डबल टैप, डबल टैप भी, मैं घर मतलब अपने माँ पियो को, उनकी इज्जत को उभार में जाए, मैं आ गई हूँ तैयार होके पार्लर से, और मैं जनाब आपके सामने बैठ के आपके परेशान कर रही हूँ, मुझे पैसे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बंदा क्या कहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पुत्र कल को क्या कहेंगे, बड़े होके कहेगा अम्मा तू क्या करती थी, मुझे पैसे चाहिए, और मैं कोई काम भी नहीं जानती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं आपके सामने आके बैठ गई हूँ, मुझे पैसे चाहिए। इस तरह हम कर रहे हैं, ये तो मैंने छोटी सी मिसाल दी है, इस तरह की बातें हो रही हैं बैठ के लाइव के ऊपर, टिकटॉक लाइव के ऊपर, कि आप, मैं, हम लोग वो सुन नहीं सकते, मेरे भाई फैमिली में सुन नहीं सकते। फिलिपीनी दिखाता हूँ यार आपको, आपको फिलिपीनी दिखाता हूँ, ये चेक करें। ओके सो 20K डिपो, ओके फ्री डिलीवरी, लिमिटेड माइनस लंग इतो मंगा लंगा, लिमिटेड माइनस लंग, मरामिंग एक्सेसरीज, यानी वो एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप बेच रही है,
और वो साथ में उसके फीचर्स बता रही है कि इस लैपटॉप के अंदर जनाब इसको कीबोर्ड भी साथ अलग से मिलेगा, इसका बैग भी मिलेगा, इतने का ये लैपटॉप है, इतने टाइम तक ये ऑफ़र है, अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता करें। और साथ में जनाब ये सारा दिन वो टिकटॉक पर ये चीज़ें बेचती रहती है। एक और, क्योंकि देखे ना, ये हो सकता है इनको देख के कोई आइडिया आ जाए, हो सकता है कि इनको कोई शर्म आ जाए, ये जो हमारे लोग हैं, ये देखे एक रोटियां लगा रहा है बेचारा, तंदूर पे रोटियां लगाने वाला बंदा, वो साथ अपने टिकटॉक पे वो लाइव दिखा रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, और उस पर अगर कोई खुश होकर कोई पैसे दे भी देता है तो आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेहनत कर रहा है अगला, वो आपकी तरह बैठ के मेकअप करके आपसे पैसे नहीं मांग रहा। आगे आ जाए जनाब, ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त, ये हम हैं, ये हैं हम सरकार, ये पैसे दो हमें भाड़ में जा। अच्छा एक आपको एक और दिखाता हूँ, ये इंडियन है, ये इंडियन है, इसको सुने जरा। वन मंथ किया 600 दिरहम और 3 मंथ्स किया 1800 दिरहम, 3 मंथ्स का कोर्स है ये, और 3 मंथ्स के अंदर मेरे पास लंबी फीच, मेरे पास एक लिस्ट है पूरी लंबी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यार ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका, ये मेड है, ये एक मेड है जो घरों में काम करती हैं, आमतौर पर ये अरबों के घरों में काम करती होती हैं, तो वो भी लाइव गई हुई है कि देखो मैं काम कर रही हूँ, काम करते हुए को अगर कोई बंदा पैसा दे भी देगा तो फाइन, एज लॉन्ग एज कोई काम कर रहा है ना, हलाल का काम कर रहा है, कोई रोजी कमा रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बर्तन भी अम्मा धोएगी, खसमानू खाए, हांडी भी वही पकाएगी, मैं चूंकि जम गई है ना अधिकार, ऐसी सरकार मैं तो क्या करूंगी, मैं तो जनाब कपड़े पहन के अजीब अजीब से मैं आऊंगी, आके लाइव बैठूंगी और आपको मैं कहूंगी कि वेलकम अदनान, वेलकम फलाने, डबल टैप मारो, मुझे गिफ्ट भेजो, क्योंकि मैं सामने बैठ गई हूँ, देखो मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मशरकी हूँ, मेरी अम्मा ने मेरा नाम खदीजा रखा है, नाम बड़ा इस्लामी है, लेकिन मैं देख लो तुम्हारे सामने फिर भी आके बैठ गई हूँ ऐसे दुपट्टा उतार के, मुझे पैसे दो, क्या है हम, क्या है हम। फिर आप लोग गिला भी करते हो कि यार हाथ होला रखो, क्या हाथ होला रखें यार, किस तरफ लेके, इंटरनेशनल भिखारी बने हुए हम, ये इस तरह से तरक्की करेंगे हम, मैं यानी हम इस कम से कम इस मामले के ऊपर मैं मुल्क को गलत नहीं कह सकता, ये हमारे इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, और इस पर खुदा का नाम है, घर वालों आपकी बहनें हैं, आपके बेटियाँ हैं, उनके ऊपर नज़र रखें, देखें तो सही वो कमाती किस तरह से हैं, ये तो पता चल जाता है कि उन्होंने नया आईफोन ले लिया, ये तो पता चल जाता है कि दुबई का ट्रिप लगा के आ गई हैं, लेकिन वो करती क्या है, ये इस पर भी तो गौर करें खुदा के लिए। अबे छोटे छोटे बच्चों को साथ लगाया हुआ यार, मैंने एक बच्ची देखी, मैं कमेंट ही करना चाहता था, लेकिन उसको उसकी माँ जो है वो पीछे बैठी हुई है, उसने वो स्कार्फ लिया हुआ है, नकाब किया हुआ है, बच्ची को आगे बिठाया हुआ है, दुनिया देख रही है, कुछ शर्म करो यार, खुदा के लिए कुछ शर्म करो, क्या इमेज बना रहे हो पाकिस्तान का, क्या इमेज बना रहे हो, मना इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लोटा मसाला तस्बीह कुछ ही पकड़ लो यार, कोई चीज़ खरीद लो और उसको दूरे रेट में बेचना शुरू कर दो, बैठ के सामने कोई तरस खा के ले लेगा आपसे, लेकिन आप लोग बेचते क्या हैं, अखलाकियात, बहुत सस्ता बेच रहे हैं, छतरोल होती रहेगी, ऐसी होती रहेगी जब तक ये बंदे के पुत्र नहीं बन जाते। और मैं उन 160,000 लोगों को जो इस तरह की औरतों को, खवातीनों को जो फॉलो करते हैं और जो जाके उनको गिफ्टिंग करते हैं, याद रखिएगा तुम्हारी कल को बेटी होगी, अगर है तो वो जवान होगी, अल्लाह का बड़ा सिंपल सा कानून है कि जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं, हमसे भी सीखते हैं, तो आप जो आज कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, वो आपके साथ कल को हो ना हो, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर, इसलिए ये सारा कुछ आपको दिखाया है कि खुदा के लिए अभी वक्त है, सुधर जाओ पाकिस्तान, जिंदाबाद।